हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्या है बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हाई स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाली है, हाई स्कूल के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, सभी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर वन केमिस्ट्री का, साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी के कुछ टॉपिक्स के बारे में। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि आप सभी के लिए मैंने नाइन्थ और हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए एक ग्रुप बना के रखा है टेलीग्राम में, जिसे आप लोगों को ज्वाइन करना है। वहाँ पर मैं आपको आपके क्लास नोट्स दूंगा, क्लासेस की लिंक दूंगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे वहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, और पहला टॉपिक देखते हैं क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है और जिसकी क्या होती है, नई प्रॉपर्टी होती है। तो आइए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में जानते हैं और आपको शॉर्ट में समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। यदि हम देखने का प्रयास करें कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। क्या है बच्चों? एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या फॉर्म होता है? एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। और ये जो नया सब्सटेंस होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसे रहती हैं, न्यू प्रॉपर्टीज़ का ये होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होती हैं, नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रोसेस के पहले एक ऐसा सब्सटेंस जरूर रहा होगा जिसने रिएक्शन चालू करी होगी, उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो याद रखिएगा, प्रोसेस जब स्टार्ट हुई होगी तब वहाँ पर क्या है, एक सब्सटेंस होगा, एक सब्सटेंस या उससे ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही सब्सटेंस हो। तो क्या है, वहाँ पर कुछ सब्सटेंस होंगे और इस सब्सटेंस की क्या है, खुद की क्या होगी, प्रॉपर्टी भी होगी। खुद की बच्चों क्या होगी, तो प्रॉपर्टी भी इनकी होगी। और इस प्रॉपर्टी, इनकी जो ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये क्या होंगी, डिफर होंगी, ठीक है, थोड़ी बहुत नए सब्सटेंस से, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगला पॉइंट जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है, ये सभी मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और बहुत ही ऑथेंटिक नोट हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली आ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर जो एटम्स होते हैं, ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, वहाँ पर जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, ठीक है, किसी एक एलिमेंट के जो एटम हैं वो चेंज नहीं होते हैं अनदर एलिमेंट में, किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं चेंज होते हैं, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, उन एटम्स के, उन एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट हो जाता है। और ये रीअरेंजमेंट जो एटम्स का होता है, यही केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आइए इसको भी ज़रा मैं शॉर्ट में आपको माइंड मैप की तरह बताता हूँ, ठीक है। देखिए होता क्या है, होता यहाँ पर यह है कि केमिकल रिएक्शन जो है आपकी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले ये दो एलिमेंट्स, कम से कम दो एलिमेंट प्रोवाइड होंगे तभी इनके बीच में क्या होगी, होगी। मान लीजिए मैंने एक ए एलिमेंट एक बी एलिमेंट ले लिया, इसके अंदर जो एटम होंगे वो क्या होंगे, ए एलिमेंट के सारे एटम होंगे, ठीक है, और इसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो सभी क्या होंगे, बी एलिमेंट के एटम होंगे। तो ये जो ए एलिमेंट के एटम हैं और बी एलिमेंट के एटम हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि ये एक दूसरे में बदल जाते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये एक दूसरे में बदल जाएंगे, बल्कि होता क्या है, ये ए एलिमेंट के एटम, ठीक है, मान लीजिए ये ए एलिमेंट के एटम और ये बी एलिमेंट के एटम आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, ए बी फॉर्म करते हैं। और इन ए बी एलिमेंट के जो एटम होते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, कुछ ना कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, जिसकी क्या होती है, एक नई प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको यही बताया कि एक
एलिमेंट का जो एटम होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है दूसरे एलिमेंट के एटम में, बल्कि रीअरेंजमेंट कर कर क्या करता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, आइए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। इसका थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, वो ये है कि केमिकल रिएक्शन इवॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बाउंड्स। जो ओल्ड केमिकल बाउंड होते हैं बच्चों, उनके ब्रेकिंग हो, उनके टूटने पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इवॉल्व होती है। ठीक है, इन एटम्स के बीच में जो होती है रिएक्टिंग सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, और ये आपस में रीअरेंज कर कर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। अभी मैंने आपको क्या है, अभी बताया कि दो एलिमेंट जो होते हैं, एक एलिमेंट मान लीजिए हमने ए ले लिया, एक एलिमेंट बी ले लिया, और एलिमेंट ए के जो एटम्स होंगे, ठीक है, मान लीजिए एलिमेंट ए जो है इसके जो एटम्स होंगे बच्चों, इसके एटम्स के बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग होगी। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स होता है एक तरीके से का, जो क्या करते हैं इनके एटम्स को आपस में बांध के रखते हैं। इसी तरीके से बी एलिमेंट जो हमने लिया था, ठीक है, इस बी एलिमेंट के अंदर भी क्या है, आपस में बाउंडिंग होगी। ठीक है, अभी सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने कोई रियल वाली वो नहीं रखी यहाँ पर। ठीक है, रिएक्शन तो यहाँ पर भी हमने क्या, एक बाउंडिंग बाउंड होंगे। बाउंड क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है जो इनके एलिमेंट्स को आपस में बांध के रखता है। जब ये बाउंड क्या होता है, ब्रेक होता है, जब ये बाउंड क्या होता है, ब्रेक होता है, तो ये जो एटम है, जैसे ए एलिमेंट का जो एटम है वो क्या हो जाएगा, वो बच्चों ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से। ठीक, और ये जो बी एलिमेंट का एटम है ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, अब ये जो बी एलिमेंट का एटम है ये आपस में ए एलिमेंट से मिल जाएगा, ये वाला भी इसके साथ मिल जाएगा, और फिर आपस में ये मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या है, मान लो एक रिएक्शन हुई और उस रिएक्शन में ए बी फॉर्मेशन हो गया, ए बी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो ये जो ए बी न्यू सब्सटेंस है ये क्या हो जाएगा, एक नया बॉन्ड बना देगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो न्यू सब्सटेंस के अंदर फॉर्म होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, केमिकल बॉन्ड जो होता है एटम्स के बीच में रिएक्टिंग सब्सटेंस के, वो ब्रेक होता है और एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम जिसकी वजह से होता है, और एक नया सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, और जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है कहाँ पर, हमारी बॉडी के अंदर। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो आयरन रस्टिंग होती है, यानी कि लोहे पे जो जंग लग जाती है, वो भी इसी वजह से होता है। ठीक है, तो ये दो क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए। आइए देखते हैं आगे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के बाद मैं डायरेक्ट आपको केमिकल इक्वेशन पे क्यों ला रहा हूँ, इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बाद हमें दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक का नाम है प्रोडक्ट, एक का नाम है रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है ये केमिकल इक्वेशन का एक पार्ट होते हैं। जब तक आप केमिकल इक्वेशन नहीं पढ़ोगे तब तक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपको समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन डायरेक्ट पढ़ाने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या होता है। तो द मैथड ऑफ आ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अभी मैंने आपको बताई क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का जो मैथड होता है विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूले, किसकी मदद से, सिम्बल और फॉर्मूले की मदद से, ऑफ द सब्सटेंस इवॉल्व इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सब्सटेंस के बीच में जो इवॉल्व सिंबल और फॉर्मूले होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है उसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन बोली जाती है। ठीक है बच्चों, केमिकल इक्वेशन। ठीक, चलिए आइए इसको मैं आपको क्या है थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि अगर इसका माइंड मैप मैं बना के आपको समझाने का प्रयास करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन बच्चों, ठीक है, किसकी बात करना है हमें, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक, तो देखिए केमिकल इक्वेशन जो है,
तो बच्चों जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, एक मेथड होता है, ठीक है, क्या होता है, एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को, किसको, केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, शो करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस जो होते हैं इनको शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल, सिंबल्स एंड फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक। तो फिर आप समझ लीजिए क्या मैंने बताया, मैंने कहा केमिकल इक्वेशन एक तरीके का मेथड है जिसमें केमिकल रिएक्शन के सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और किसके हेल्प से, सिंबल्स और फॉर्मूलों की हेल्प से, ठीक है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके क्या है एग्जांपल को देखें, तो एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखता है कि एग्जांपल में मैंने एक एग्जांपल लिया है, जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन अ वर्ड एज, अगर हम क्या है जिंक मेटल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फॉर्म करता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को, तब वहाँ पर उस रिएक्शन को हम वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको नीचे देखिए एक रेड पेन से ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है इसका वर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एरो, एरो क्या शो कर रहा है, इधर से रिएक्शन इधर की तरफ चल रही है, यानी स्टार्ट इधर हुई और एंड यहाँ पर हो रही है, और एंड में क्या रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हुई और फॉर्मेशन क्या हुआ, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये जिस फॉर्म में लिखी है आप देखिए, ये जो जिस फॉर्म में लिखी हुई ये इक्वेशन, ठीक है, ये लिखी है वर्ल्ड इक्वेशन फॉर्म में, ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द वर्ल्ड इक्वेशन फॉर्म, इसे किस में लिखा गया है, वर्ल्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखा गया है, और इस वर्ल्ड इक्वेशन फॉर्म को क्या करेंगे, अब हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन में, कैसे करेंगे ये भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो वी कैन चेंज दिस इक्वेशन इन टू अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चों, आपको ये सब नहीं लिखना है, आप अगर नोट्स अपने मेक करेंगे तो आपको केमिकल इक्वेशन हेडिंग डालनी है और यहाँ तक लिखना है, उसके बाद एग्जांपल में यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे और पीछे जो अभी मैं आपको बता दूंगा वो उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करेंगे तो जब हम क्या करेंगे, इस वर्ल्ड फॉर्म इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन के अंदर तो होगा क्या, देखिए सिंबल्स जो हैं, नाउ सिंबल्स ऑफ जिंक इज ZN, ZN क्या है, सिंबल है जिंक का, फॉर्मूला जो है तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड का वो क्या है, H2SO4, और जो फॉर्मूला है तुम्हारा जिंक सल्फेट का वो है ZnSO4, और फॉर्मूला जो है हाइड्रोजन गैस का वो क्या है, H2। अब ये सारे क्या हैं, रेड पेन से जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, फॉर्मूले हैं, और इनको अब हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इनके प्लेस पर, तो वर्ड फॉर्म की इक्वेशन जो है इसके प्लेस पर जब प्लेस करेंगे तब क्या आएगा, तो आइए देखते हैं जब उसकी प्लेस पर हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे। तो सो पुटिंग द सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन द अबव वर्ल्ड इक्वेशन वी गेट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जो ऊपर आपकी वर्ल्ड इक्वेशन दी गई थी उसमें अगर हम क्या करें, सिंबल्स को पुट अप कर दें और फॉर्मूलों को पुट कर दें तो नीचे जो इक्वेशन दी गई है ये फॉर्म हो जाएगी। तो जिंक की जगह पे हमने लिखा ZN, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे हमने H2SO4 लिख दिया, जिंक सल्फेट की जगह पे, जिंक सल्फेट की जगह पे ZnSO4 लिख दिया, और हाइड्रोजन की गैस की जगह पे H2O लिख दिया। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि ZN प्लस H2SO4
ने जब आपस में रिएक्ट करा तो बाउंड की ब्रेकिंग हुई होगी इनके बीच में, बाउंड टूटा होगा और ये बाउंड टूटने के बाद रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, अभी मैं इस रिएक्शन को बाउंड ब्रेक कर कर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी लिखा हुआ है ये क्या है हमारा, ये है हमारा बच्चों रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे जो लिखा है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। पहले आप इस रिएक्शन को समझ लीजिए कि ये रिएक्शन हुई तो हुई कैसे। तो बच्चों हुआ क्या, देखिए इस रिएक्शन में ऐसा क्या हुआ कि इसका फॉर्मेशन हो गया। देखिए जिंक, जिंक फॉग का फॉर्मूला होता है Zn प्लस H2SO4। ठीक, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn प्लस H2SO4। इसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ZnSO4 प्लस H2O प्लस H2। ठीक है, H2 क्या है हमारी गैस है। अच्छा, ये जो जिंक है ये क्या है, इस पर जो चार्ज है वो Zn प्लस 2 का है, और यहाँ पर जब हम इसको ब्रेक करते हैं, देखिए होता क्या है, ये इस तरीके से बाउंड से जुड़ा होता है SO4 के साथ। इस तरीके से क्या है, ये बाउंड से जुड़ा है H2SO4। बाउंड ब्रेक होता है और ये आपस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और ब्रेक होने के बाद होता क्या है, इस पर चार्ज आ जाता है और ये क्या हो जाता है, जॉइंट हो जाता है इसके साथ, और ये आपस में रिएक्शन कर फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ZnSO4 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए आगे देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में और जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें। तो देखिए रिएक्टेंट, तो बच्चों रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट जो है द सब्सटेंस इन विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि वो सब्सटेंस, बच्चों कौन सा सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा हो, पार्ट ले रहा हो कहाँ पर, केमिकल रिएक्शन में। कहाँ पर पार्ट ले रहा हो बच्चों, केमिकल रिएक्शन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो रिएक्टेंट है वो हमेशा कहाँ पर लिखा जाता है, ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ पर लिखा जाता है, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। ठीक है, आप ऊपर वाली रिएक्शन में देख सकते हो कि क्या हुआ है, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है हमारे, Zn और H2SO4, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और इन दोनों की रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और दो नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो हुआ क्या, ये दोनों रिएक्टेंट हुए। अभी मैंने नीचे बताया कि रिएक्टेंट कौन होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट वो होते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस होते हैं जो पार्ट लेते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, और ये कहाँ लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ पर लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है। आइए देखते हैं प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अब बच्चों यदि हम बात करें प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो द सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट, ठीक है, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। एक ऐसा न्यू सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हुआ होगा, कैसा, एज अ रिजल्ट में, जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है रिजल्ट के रूप में केमिकल रिएक्शन के, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और द प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, इक्वेशन के कहाँ पर लिखा जाता है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे हमेशा प्रोडक्ट को लिखा जाता है और प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आपको इक्वेशन के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूँ और बताता हूँ कि क्या है प्रोडक्ट। देखिए आपने यहाँ पर जान लिया कि लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट लिखते हैं, रिजल्ट के रूप में हमारे दो नए सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ZnSO4 प्लस H2O। ZnSO4 प्लस H2O जो है हमारा, ये क्या है, न्यू सब्सटेंस है, और अभी मैंने बताया जो न्यू सब्सटेंस एज अ रिजल्ट, रिजल्ट के रूप में जो नए सब्सटेंस हमें मिलेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा। और प्रोडक्ट को हमेशा कहाँ लिखते हैं, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, और दोनों न्यू सब्सटेंस के बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ठीक है, लाइक करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब इसमें का आगे का जो पार्ट है वो आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे टॉपिक्स को।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है हमारे ग्रुप का टेलीग्राम के, जिसको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, लाइक करना मत भूलें वीडियो को।